नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये मैं दर्शकों की डिमांड पे बना रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पे, और जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो ये फ्री में जो स्टॉक मार्केट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं आप उनसे सावधान रहिए, और केवल किसी ऑथेंटिक या रिलायबल वेबसाइट से ही आप इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी दर्शकों ने पूछा कि आप हमें एक बेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बताइए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एज सच नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक ट्रेडर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और हर सॉफ्टवेयर के अपने अपने फीचर्स होते हैं, अपने अपनी उसकी खूबी होती है। लेकिन काफ़ी दर्शकों ने मुझे बोला कि आप अपने व्यूज़ इस बारे में हमें बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं या जिनको बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं या जिनका इस्तेमाल इंडिया में काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है। लार्ज स्केल का मतलब कि काफ़ी जो ट्रेडर्स निवेशक इन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं, पर यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअली फीड की कॉस्ट होती है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। और इसके अंदर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपने इस वीडियो के अंदर, जो फ्री स्टॉक मार्केट सॉफ्टवेयर वाले वीडियो के अंदर, वो मेटा ट्रेडर 4 का दिया था, जो कि एक बहुत पॉपुलर जिसको कह लीजिए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है इंडिया में। तो दोस्तों, यहाँ पे किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का चयन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको कुछ 5-6 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का चयन करें तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पर उसके अलावा जिन 5-6 बातों का मैंने ध्यान रखा मैं आपको वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हैं और उसकी जो फीड प्रोवाइड कर रहा है आपको, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जैसे अगर मेटा ट्रेडर 4 का आप एग्जांपल लें, तो जिन के द्वारा मैंने ये फीड ली है, जिस कंपनी के द्वारा जो ये रियल टाइम NSE की फीड्स मैं ले रहा हूँ, तो वो लोग एक ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे मैं इसमें ऑटो ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो ऑटो ट्रेडिंग जो है काफ़ी कौतूहल का विषय रहता है काफ़ी निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए ट्रेडिंग करते हुए। और ऑटो ट्रेडिंग एक काफ़ी अच्छा ज़रिया है, जिसके ज़रिए आप एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं और उसके अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का चयन कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आप उसकी फीड कहाँ से लेंगे, और वो जो जिनसे आप फीड लेंगे, जिस कंपनी से आप फीड लेंगे, क्या वो उसके अंदर ऑटो ट्रेडिंग की फैसिलिटी आपको देते हैं या नहीं देते। पर जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, उसके अंदर ऑटो ट्रेडिंग की फैसिलिटी होती है। जैसे मेटा ट्रेडर मैंने चेक किया है, तो उसके अंदर आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर अगर आपके जो फीड प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो भी इस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा, नहीं तो आप अपने आप उसके अंदर ऑटो ट्रेडिंग नहीं सेट कर सकते। दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि आपकी फीड की कॉस्ट क्या है, क्योंकि आपको मंथली बेसिस के ऊपर एक एक्स अमाउंट पे करना होता है उस कंपनी को, तो फीड की कॉस्ट यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि मैं 400 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, तो काफ़ी दर्शकों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जहाँ से सर्विस ली हुई है वो लोग कोई 700 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 1200 चार्ज कर रहा है, कोई 1000 रुपये चार्ज कर रहा है। मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी रिलायबल कंपनीज़ मिलेंगी जो कि आपको फीड जो है काफ़ी कम रेट पर देती हैं। और ये जो 400 रुपये में मैं जिस कंपनी से फीड ले रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी इंटरनेट पे रिसर्च करने के बाद इनको फाइंड आउट किया था। तो आप भी फीड की कॉस्ट को ज़रूर ध्यान में रखें। दोस्तों, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि जो इंडिकेटर्स आप इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप ये देखिए कि जिस भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करेंगे या जिसका आप चयन कर रहे हैं या जिसकी आप फीड बाय कर रहे हैं, वो इंडिकेटर्स उस पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं या नहीं।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने मेटा ट्रेडर 4 के केस में बताया था कि पॉपुलर इंडिकेटर्स मुझे ज़्यादातर फ्री में मिल गए थे, और पर जो कुछ और अच्छे इंडिकेटर्स या कोई हाई एंड इंडिकेटर्स थे वो नॉर्मली पेड बेसिस पे अवेलेबल होते हैं। पर जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि मेटा ट्रेडर 4 जो है वो एक ओपन कम्युनिटी है, वहाँ पे जो भी डेवलपर्स हैं वो अपने जो इंडिकेटर हैं वो अपलोड कर सकते हैं और जिनको आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें आप उसके अंदर देखिए कि वो उसकी ओपन कम्युनिटी कितनी एक्टिव है, कितनी स्ट्रांग है। तो उससे क्या है कि आपको इंडिकेटर्स ढूंढने में या इंडिकेटर्स मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो ये कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी रियल टाइम फीड अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी एक ही कंपनी के पास हो, एक्सक्लूसिव टाइप हो। तो ये समस्या मैं खुद फेस कर चुका हूँ। एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मैंने देखा था जो मुझे काफ़ी पसंद आया, पर मैंने उसके अंदर देखा कि वो जो उनका टाइप था वो सिर्फ एक कंपनी के साथ है इंडिया में NSE की रियल टाइम फीड्स के लिए, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी का कुछ उसके अंदर इशू रहता है टेक्निकल। तो जब मैंने उसकी कॉस्ट पता करी तो उसकी कॉस्ट लगभग 1700 रुपये पर मंथ थी। तो यहाँ पे जो फीड्स जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉस्ट के अलावा वो रियल टाइम होनी चाहिए। काफ़ी केसेस में आपको जो फीड्स मिलती हैं वो कई बार डिलेड होती हैं, जिसके बारे में आप जब सॉफ्टवेयर ले लेंगे, फीड ले लेंगे, उसके बाद शायद आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो फीड्स हैं वो रियल टाइम नहीं है। और जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसके नीचे कई दर्शकों ने कमेंट भी किया था कि हमारे पास जो फीड हैं वो रियल टाइम नहीं है, उसके अंदर कुछ मिनटों का डिले होता है, और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप कुछ मिनटों का डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। मे भी हो सकता है स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से आप 10-15 मिनट का डिले अफोर्ड कर पाएं, पर इंट्राडे में ये संभव नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी रियल टाइम फीड अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तो उसकी कॉस्ट क्या है और कितनी कंपनीज उसको प्रोवाइड करती हैं। तो नॉर्मली मैंने देखा है दोस्तों आपको जो MT4, AmiBroker और निंजा ट्रेडर, इन तीन जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं इनकी फीड्स आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका अगला पॉइंट है, पांचवें नंबर का पॉइंट, वो ये है कि काफ़ी दर्शकों ने मुझसे पूछा कि हम पेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्यों ले जब हमारे पास फ्री अवेलेबल है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात सिर्फ आपको बताना चाहूँगा कि जो पेड आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर आप काफ़ी एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं जो कि आपके फ्री जो सॉफ्टवेयर या फ्री जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो आपके ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड किया गया है प्लेटफॉर्म उस पर शायद संभव ना हो। तो जैसे मैंने मेटा ट्रेडर के केस में आपको एक इंडिकेटर वाला पेज दिखाया था, वहाँ पे आप देखेंगे कुछ एक्सपर्ट्स करके कुछ वहाँ पे आपके इंडिकेटर्स अपलोड किए गए हैं। तो वो क्या होता है कि वो एक खास तरह का एनालिसिस होता है जहाँ पे हो सकता है कुछ इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक नया इंडिकेटर या एक एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं वो बनाया जाता है, जो कि आपको काफ़ी मदद करता है। और आप अगर कोई एक एनालिसिस आप खुद कर रहे हैं, कोई आपने एक खुद कॉम्बिनेशन अगर क्रिएट किया है, तो आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करके उसका एक इंडिकेटर भी बनवा सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो कि पेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। वहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर अपलोड कर सकते हैं अपने आप उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, जो कि आपके जो ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड किया गया प्लेटफॉर्म उसमें संभव नहीं है। तो ये मैंने एक सिर्फ एक मेजर आपको बेनिफिट बताया जो पेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो मैं आपको एक आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आखिरी छठा पॉइंट है वो ये कि आपको जो पेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं और अगर आपकी रियल टाइम फीड एक अच्छी कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जा रही है तो उसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो एक्यूरेट होता है। अब उसमें काफ़ी दर्शक कमेंट करते हैं कि भाई एक शेयर का प्राइस इस साइट के ऊपर इतना है, इस साइट के ऊपर इतना, उनमें डिफरेंस है, ऐसा क्यों, या कुछ डिले हो रहा है, या काफ़ी तरह की समस्याएँ आती हैं उसमें, कई बार डेटा एक्यूरेट नहीं होता। तो पेड सॉफ्टवेयर में मैंने इस तरह की कोई भी समस्या नहीं फेस करी। तो उसमें अगर आपकी रियल टाइम फीड्स एक अच्छी कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जा रही है और आपका सॉफ्टवेयर अगर अच्छा है तो आपको ये सब दिक्कत नहीं आएगी ट्रेडिंग करते हुए। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर जो कि पांच सबसे पॉपुलर जिनको कह लीजिए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पहले नंबर पे, मतलब यहाँ
मैं कहना चाहूँगा कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इसमें दोनों में से किसको मैं पहला नंबर दूँ, पर मेरे पर्सनल विचार में मेटा ट्रेडर 4 और एमी ब्रोकर जो ये दो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों को आप बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं इस समय इंडिया में। और अगर पर्सनली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेटा ट्रेडर 4 का इस्तेमाल करता हूँ, और उसके पीछे कारण मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो मेरे इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट थी या जो इंडिकेटर्स मुझे चाहिए थे वो मुझे मेटा ट्रेडर 4 में फ्री मिले। बट इसमें एमी ब्रोकर में भी आपको लगभग सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर इन दोनों को मैं बोलूँगा कि ये इस समय सबसे पॉपुलर जो हैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर नॉर्मली फ्री में अवेलेबल होते हैं और इनकी जो फीड्स हैं वो चार्जेबल बेसिस पे होती है। दोस्तों तीसरे नंबर पे मैं बोलूँगा कि निंजा ट्रेडर जो है, ये वाला ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, आप इसको भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। और इसकी फीड्स भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी आसानी से अवेलेबल होती हैं, और जो आपकी कंपनीज मेटा ट्रेडर 4 या एमी ब्रोकर की फीड्स प्रोवाइड करती हैं वो निंजा ट्रेडर की फीड्स भी ज़रूर प्रोवाइड करती हैं। तो ये इसको आप कह लीजिए कि तीसरे नंबर पे पॉपुलर है। और चौथे नंबर पे है दोस्तों मेटास्टॉक, और मेटास्टॉक में इसका मैंने डेमो वर्जन खुद एक बार यूज़ किया था, और उसके अंदर वो कुछ समय के लिए उसको फ्री में भी देते हैं उस डेमो को, लेकिन वहाँ पे आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स पहले देनी होती हैं। तो मेरे को थोड़ा उसमें कंफर्टेबिलिटी नहीं थी, पर मैंने एक अपने फ्रेंड से उसका डेमो अकाउंट लिया था और मैंने इसको चेक किया था, NSE की फीड्स इसमें अवेलेबल होती हैं। तो मेटास्टॉक के बारे में जब मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, रिसर्च करी, तो और कुछ लोगों से बातचीत की, तो मुझे पता लगा कि मेटास्टॉक किसी समय में काफ़ी पॉपुलर होता था इंडिया में, पर मे बी हो सकता है जो ये नए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आए हैं इनके सामने मेटास्टॉक ने शायद अपग्रेड नहीं किया। और अभी जो जिन लोगों से मैंने बात किया, मैंने जो भी फीडबैक वगैरह ऑनलाइन इसके बारे में स्टडी किया, जब मेरे को पेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लेना था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको जो लिस्ट है जिसमें मोस्ट पॉपुलर की जो लिस्ट है मेरे हिसाब से, उसमें ये नंबर 4 पे फिट बैठता है। और दोस्तों आखिरी पांचवें नंबर का जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वो ई सिग्नल के लिए भी मुझे कुछ कंपनीज़ मिली इंडिया में जो इसके फीड्स प्रोवाइड करती हैं ई सिग्नल की, पर ये जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है ये ज़्यादातर US और कैनेडा में ज़्यादा पॉपुलर है, और इंडिया में भी आपको इसकी रियल टाइम फीड्स मिल जाएंगी, पर पॉपुलैरिटी के हिसाब से मैं इसको पांचवें नंबर पे रखूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी 5 मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट, जो कि जब मैं पेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ले रहा था तो मेरे एनालिसिस या जो भी मैंने स्टडी की उसके अंदर ये 5 जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं इनको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था और इनको स्टडी किया था। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो मैंने लिया है आप वही वाला ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ले या उसी को इस्तेमाल करें, आप इन 5 को इवेल्यूएट करिए, जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है और आपकी बजट में फिट बैठ रहा है, जिसकी फीड्स ईजिली अवेलेबल हैं और जिसकी कॉस्ट थोड़ी आपको कम है, तो ये सब जो क्राइटेरिया या पैरामीटर्स जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपका पूरी कर रहा है, तो आप उस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आने वाले एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं या ये जो पेड सॉफ्टवेयर हैं, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। एक महत्वपूर्ण कारण मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बता दिया है, पर इसके पीछे और कई कारण हैं जो कि मैं आपको एक आने वाले डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।